तो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक राजस्थानी सॉन्ग को बॉलीवुड की स्टाइल में बनाना सिखाऊंगा। एक बहुत ही पुराना राजस्थानी फोक सॉन्ग है, ऊंचो घालियो पालना। तो ये एक माँ अपने बच्चे के लिए गा रही है, तो इसको मैंने सोचा कि रिक्रिएट करूं बॉलीवुड स्टाइल में। तो जल्दी से मैं आपको एक बार क्या आउटपुट आने वाला है वो सुना देता हूं। कैसा लगा आपको ये आउटपुट? तो इसमें मैंने काफी सारे गिटार्स का यूज किया है, ढोलक और किक स्नेयर, काफी सारी चीजों का यूज किया है। तो चलिए एक एक एलिमेंट को हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने पियानो पर लीड को प्ले किया हुआ था। इसके साथ मैंने पियानो पर ही कॉर्ड प्ले किए हैं। बाय द वे, मैं आपको जो प्लगइन यूज कर रहा हूँ उनके नाम भी बताता चलता हूँ। यहाँ पर मैंने एलिसिया कीज का यूज किया है, और पियानो में जो मैंने कॉर्ड प्ले किए हैं वहां पर भी मैंने एलिसिया कीज का यूज किया है। तो एक बार हम सुनते हैं। ये पियानो का पैटर्न मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, सिंपल पैटर्न है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक गिटार का पैटर्न मैंने यूज किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे सॉन्ग की शुरुआत में से और एंड तक वो गाने में प्ले हो रहा है। तो ये पैटर्न ये था। यहाँ पर जो मैंने लाइब्रेरी यूज करी है वो है इलेक्ट्रिक सनबर्स्ट डीलक्स का मेलोडिक गिटार यूज किया है मैंने, और इसमें मिडी पैटर्न भी इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, ये पैटर्न मैंने बनाया है, छोटे छोटे जो आपको साउंड सुनाई दे रहे हैं ना, ये छोटे छोटे नोट्स के भी साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसमें मैंने सस्टेन का यूज किया हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पर ये जो नोट्स हैं इनमें तो सस्टेन एक्टिव है, और इसके बाद बीच में बंद हो जाता है, क्योंकि इन नोट्स का जो साउंड है, अगर मैं सस्टेन को परमानेंट ही ऑन रखता तो इन नोट्स का साउंड है वो इंटरफियर करता ये जो बाद में जो शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं उनके साउंड के साथ। तो एक बार मैं आपको और सुनाता हूं। ये तो एक क्लीन गिटार का साउंड आ रहा है, अगर मैं सस्टेन का यूज सही तरीके से नहीं करता तो क्लीन गिटार का साउंड नहीं आता। ऐसे यहां पर अगर हम पियानो पर चलते हैं और यहां पर अगर सस्टेन को देखते हैं, तो आप देखिए सस्टेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाना चाहता हूँ, सस्टेन पेडल का यूज किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर सस्टेन बंद हो गया है दूसरे कॉर्ड के चालू होने से पहले। ये जो पियानो का साउंड आपको ऐसा पुराने जमाने का सा आ रहा है, वो मैंने कोरस का यूज किया हुआ है, इस वजह से आपको सुनाई दे रहा है। ये मैंने क्यूबेस के अंदर जो कोरस आता है, स्टाइनबर्ग कोरस, उसका यूज किया है। और अगर मैं इसको बंद कर दूं, कोरस का यूज बस ऐसे ही कर लिया है, मन कर रहा था, बैकग्राउंड में फील जो चाह रहा था वो इससे ही पूरी हो रही थी। एक गिटार और मैंने यूज किया है, उसको सुना देता हूं आपको। देखो, सभी जगह पर मैंने सस्टेन पेडल का यूज किया है, और अब मैं आपको बार बार नहीं बताने वाला हूँ। और ये जो लाइब्रेरी मैंने यूज करी है उसका नाम है सेशन गिटारिस्ट पिग्ड अकोस्टिक। तो इसमें भी मेलोडिक वर्जन मैंने यूज किया है। तो अगर हम इनको एक साथ सुनते हैं अभी जो भी मैंने चीजें आपको बताई हैं, ये तो एक तरीके से फ्रंट में रहने वाले इंस्ट्रूमेंट है, ये जो गिटार है ये वाला, और इसके साथ जो पियानो है वो, और उसके बाद बाकी जो चीजें मैंने डाली हैं, ये गिटार है जो, ये मैंने बैकग्राउंड के लिए चीजें डाली हैं। इसके अलावा और भी गिटार मैंने ऐड किए हैं। यहाँ पर जो लाइब्रेरी यूज करी है मैंने, एलिया एफिमोव अकोस्टिक गिटार को यूज किया है। अब ये सब बैकग्राउंड के लिए चल रही हैं। ये साउंड हो सकता है आपको क्लियर तरीके से सुनाई भी नहीं दे, लेकिन ये बैकग्राउंड को फिल करने के लिए चल रहे हैं। यहाँ पर नायलॉन गिटार और प्ले किया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर नायलॉन गिटार में मैंने बैंडिंग्स का यूज किया है। देखो, ये रहा सस्टेन का, यहाँ पर भी यूज किया है। तो अगर नायलॉन गिटार का हम पियानो रोल देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने बैंडिंग का यूज किया हुआ है। ये देखो, ये कर्व मैंने ड्रॉ किया हुआ है। छोटी छोटी चीजें, बैकग्राउंड में ये नायलॉन गिटार प्ले हो रहा है, लेकिन वहां पर बैंडिंग भी आ रही है, तो बहुत ही अच्छा सोने पर सुहागा हो रहा है। इसके साथ मैंने बेस प्ले किया हुआ है, तो इनको मैं एक साथ बेस के साथ सुनाने वाला हूँ। आपने हेडफोन लगा रखा हो ये ध्यान रखना।
यहाँ पर बेस की लाइब्रेरी मैंने कौन सी यूज करी है, स्कार्बी MM बेस, स्कार्बी के ही बेस को मैं यूज करता हूँ जनरली कॉन्टैक्ट के अंदर। अब हम चलते हैं हमारी बीट वाले पार्ट पर। तो यहाँ पर मैंने क्लैप का साउंड यूज किया है, इसके साथ किक का साउंड जोड़ा है, शेकर का लूप जोड़ा है और फिर ये ढोलक का लूप, टैम्बूराइन का लूप, स्नेयर और हेड। तो ये हमारी बीट पूरी बन चुकी है। इसके साथ मैंने अकोस्टिक गिटार की स्ट्रमिंग और यूज करी है। तो यहां पर मैंने एलिया एफिमोव का यूज किया है अकोस्टिक गिटार की स्ट्रमिंग यूज करने में। अब देखो, मैं चाहता तो सेशन गिटार इसकी लाइब्रेरी का भी यूज कर सकता था, लेकिन ये स्ट्रमिंग मेरे को नहीं मिल रही थी वहां पर। तो इसलिए अभी हम पूरा ये जो कोरस वाला सेक्शन है इसको सुन के देखते हैं। तो आपका जो सॉन्ग का पूरा हिस्सा है कोरस, वो पूरा फुल होने लग गया है। अब देखो, उसके बाद हम बैक में चलते हैं। तो यहाँ पर जो शुरुआत हो रही है सॉन्ग की, वो शुरुआत हो रही है इस गिटार के साथ। ठीक है, ये हमको शुरुआत का पॉइंट मिल गया। इसके साथ पियानो चालू हो रहा है, जिस पर लीड प्ले हो रही है और बेस लाइन चालू हो रही है और क्लैप का साउंड चालू हो रहा है। साथ में मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होने चाहिए जो आपके कोरस में नहीं हो और आपके कोरस से पहले वाला हिस्सा है जो इंट्रो है वहां पर हो, इससे आपके सॉन्ग में वेरिएशन आता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पियानो है मैंने फैक्ट्री लाइब्रेरी का यूज किया है। अब देखो, एक बात और है कि अगर आप या तो इंस्ट्रूमेंट दूसरे यूज कर लो या फिर आप पैटर्न को चेंज कर लो। तो यहां पर अगर आप जो पियानो का पैटर्न है वो आप देखो ध्यान से, तो मैंने ये प्ले किया हुआ था। अब ये जो कोरस में से पहले जो सेक्शन आ रहा है वहां पर मैंने कुछ इस तरीके के सिर्फ फ्लैट कॉर्ड्स प्ले किए हैं पियानो पर, और इसके साथ ये जो गिटार प्ले हो रहा था जो शुरुआत से, उसमें भी मैंने चेंज किया है। तो ये मैंने चेंजेस किए थे और ये हमारा सॉन्ग पूरा बन चुका है। फिर इसमें बैकग्राउंड में कितने सारी चीजें प्ले हो रही हैं अब आपको अंदाजा लग गया होगा। साथ ही साथ जो दोबारा हमारी जो सेकंड टाइम अंतरी के बाद जो हमारा पैटर्न आ रहा है उसमें मैंने कुछ चेंज किए हैं वो आपको सुना देता हूँ। बस कुछ इंस्ट्रूमेंट और जोड़ दीजिए आप, तो आपका जो बाद वाला जो ड्रॉप आ रहा है, ड्रॉप क्यों कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक म्यूजिक ज्यादा बना लिया मैंने, तो जो कोरस वाला सेक्शन आ रहा है ना वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो यहां पर आप देखो, तो यहां पर ये मैंने एक कीज का साउंड और जोड़ा है। तो ये मैंने कौन सी लाइब्रेरी का प्ले किया है, मैंने डिजियांट का यूज किया है। थोड़ा सा पियानो अगर एलिसिया कीज को यूज करूंगा तो सेम साउंड आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डिजियांट का यूज कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने पूरा राजस्थानी फोक सॉन्ग बनाया। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, कमेंट भी कीजिए, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको रखना है अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।